ये बात थी साल 2003 की, जब दुबई ने द वर्ल्ड प्रोजेक्ट नाम की समंदर में 300 आइलैंड्स की एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो कि इंस्पायर हुई थी द वर्ल्ड मैप से। और इसमें बहुत सारी लग्जूरियस विलास, रिजॉर्ट्स, होटल्स, और वो एक जन्नत से कम नहीं थी जिसको नाम दिया गया था द लैंड ऑफ पैराडाइज। लेकिन आखिर आज 12 साल बाद भी वो लैंड ऑफ पैराडाइज क्यों वीरान पड़ा हुआ है। हाय गाइस, एडुटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुबई एक ऐसी लैंड थी, एक ऐसी बंजर जमीन हुआ करती थी। आज से 30 या 40 साल पहले अगर हम बात करें तो उसमें रेत धूप से ज्यादा के अलावा और कुछ नहीं थी। और अचानक वहाँ आए थे एक लीडर, एक विजनरी लीडर, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, जिन्होंने दुबई को एक 100% ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाए। आज अगर हम दुबई की जीडीपी की बात करें तो उसमें सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन है ऑयल की, जो कि कभी 100% कंट्रीब्यूशन हुआ करती। साल 2001 में बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब से उन्होंने जब टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, उसके बाद उनको पता था कि हमें दुबई में सिर्फ आम टूरिस्ट को नहीं, हमें दुबई में दुनिया की एथलेटिक, दुनिया की जो हाई क्लास लोग हैं उनको अपने और खींचना पड़ रहा। और इसी सोच के साथ उन्होंने पहले ही पाम जुमेरा आइलैंड, क्योंकि दोस्तों दुबई की जो कोस्ट लाइन थी समंदर के साथ वो लगभग 70 किलोमीटर थी और उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ता गया जा रहा था। तो उनको भी पता लग गया था कि इससे तो काम नहीं होने वाला, तो उन्होंने एक सी फेसिंग, एक बीच फेसिंग एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो थी पाम जुमेरा। दोस्तों पाम जुमेरा इतनी हिट हो गई थी कि उसकी कंप्लीशन से पहले ही उन्होंने पाम डेरा और पाम अल जबेल नाम के और दो प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। और वो दोनों की वजह से, इन तीनों प्रोजेक्ट्स की वजह से वो काफ़ी लाइमलाइट पे आ चुके थे। तो वो अपनी इस जर्नी को और एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने द वर्ल्ड, जिसको द लैंड ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता था, समंदर के बीचों बीच उन्होंने 300 आइलैंड्स जो कि वर्ल्ड मैप से इंस्पायर हुई थी, वर्ल्ड मैप की तरह ही थी, उसी को शुरुआत की थी। और उस वक्त भी वो बहुत सारे पैसा उनको खर्च करना पड़ा। ये शायद दुबई के आज तक की जितने भी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स थे उन सभी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक है। साल 2003 में शुरुआत हुई वो द वर्ल्ड प्रोजेक्ट, खत्म होने से पहले ही 60% सोल्ड आउट हो गए थे। उसमें जितने भी आइलैंड्स थे वो 50 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक चली गई थी। लेकिन जब वो साल 2008 में जब उनकी लॉन्चिंग हुई, उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो दुबई की जो रियल स्टेट बिजनेस है वो भी बहुत ख़राब चल रहा था। दुनिया भर में लोगों को पैसे की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उनका जो लॉन्चिंग था वो इतनी पैसा खर्च करके दुनिया भर में जितने भी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने लाया वो सब बेकार हो गए। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने रिकवर किया उस फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन उसके बाद जब एक न्यूज़ आई कि वो द वर्ल्ड प्रोजेक्ट वर्ल्ड मैप से बहुत अलग है, इससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी या बायर्स को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन यही एकलौती कारण नहीं है उस द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की फेलियर के पीछे। सबसे बड़े कारण ये थी कि उसके बाद लगातार न्यूज़ आती गई कि दुबई की जो भी आइलैंड्स उन्होंने बनाया था वो आइलैंड्स धीरे धीरे सोयल इरोजन के चलते वो पानी के नीचे जाने लगा। तो उस बात से लोगों को बहुत ठेस पहुँची, लोगों को जो विश्वास थी उनके ऊपर वो बहुत तेज़ी से घिरती गई। और उस इंटरेस्ट की कमी की वजह से आज 300 आइलैंड्स में से सिर्फ 9 आइलैंड्स में विलास बनाया गया है, बाकी सभी आइलैंड्स
दिन ब दिन पानी के नीचे जाता रहा है। और यही है वो कारण जिसकी वजह से दुबई की किंग मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, जो कि बहुत विजनरी लीडर हुआ करते थे, उनकी वो समंदर की प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टॉप हो गई। लेकिन दोस्तों वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में और किसी और फील्ड में वो आगे बढ़ते गए, जैसे कि जब हम अभी देखते हैं दुबई लैंड और बहुत सारी नए नए प्रोजेक्ट्स हर दिन वो बनाते जा रहे हैं।